अगर आप जयपुर घूमने जाते हैं और अगर और दूसरा कि आपका सामान सुरक्षित, आप भी अगर आते हैं स्टेशन पे तो ट्राई करें यह चीज, आपको भी न मिले तो आप कुछ। तो ये 3AC इकोनॉमी का सफर अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख, और अभी मैं हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और आज अपनी जर्नी होने वाली है 22996 मंदोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो चलती है जयपुर से रात को 1:05 पे और 6:45 सुबह अगले दिन दिल्ली पहुंचाती है, पुरानी दिल्ली। आज की अपनी जर्नी होने वाली है 3AC इकोनॉमी में। इकोनॉमी का कैसा रहता है एक्सपीरियंस, सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, बाकी ट्रेन की साफ सफाई और ट्रेन के बारे में बाकी जो भी जानकारियां हैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और भाई देखिए, जयपुर स्टेशन साफ सुथरा स्टेशन है, फैसिलिटीज वगैरह भी अच्छी है, यहाँ भी राजस्थान वाली फील आपको महसूस होगी। चलिए सिक्योरिटी चेक करा के अंदर चलें। मेरा टूर 2 दिनों का था जयपुर का। पहले दिन तो मैं होटल में स्टे किया मैंने रात को, लेकिन दूसरे दिन मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ही होटल को छोड़ दिया और मैंने अपना लगेज ला के यहाँ पे स्टेशन पे क्लॉक रूम में डाल दिया। आप भी अगर आते हैं स्टेशन पे तो ट्राई करें यह चीज़ कि अगर आपको 2 दिनों की जर्नी करनी है और अगर ट्रेन आपकी वैसे है सारा दिन घूम के रात को ट्रेन पकड़ लें, तो आपको चाहिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग छोड़ दें और जाके क्लॉक रूम में अपना सामान जमा करा दें। इससे 2 फायदे होंगे कि एक तो आपको होटल का चार्ज नहीं देना पड़ेगा और दूसरा कि आपका सामान सुरक्षित रेलवे के पास पड़ा रहेगा स्टेशन पे, जो आप जब चाहें आके अपना सामान कलेक्ट करें और ट्रेन पकड़ लें। आप जब कभी जयपुर स्टेशन आते हैं तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको लॉकर रूम मिल जाएगा। ये रहा क्लॉक रूम, 24 घंटे का केवल 20 रुपया चार्ज है क्लॉक रूम में सामान जमा करने का। आज की अपनी जर्नी होने वाली है M1 कोच में, यह एक इकोनॉमी कोच है। अब इस ट्रेन के बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, 22996 मंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि चलती है जोधपुर से रात को 8:30, जयपुर से पहुंचने का समय है रात के 1:05, दिल्ली पहुंचती है 6:45 अगले दिन सुबह। हमारे ट्रेन का अराइवल हो रहा है, आइए अराइवल देखते हैं। अब इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो यह 1 फर्स्ट AC, 3 सेकेंड AC, 6 थर्ड AC, 2 थर्ड AC इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 3 जनरल डब्बों के साथ चलती है। जयपुर में इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। अपने ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देख लेते हैं। यहाँ पे इस ट्रेन का केवल 10 मिनट का हॉल्ट है, 1:05 आने का समय है और 1:15 यहाँ से खुलने का समय है। गाड़ी लगभग राइट टाइम चल रही है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे यह गाड़ी आती है। जयपुर को कहते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे। जयपुर के क्रॉस होते ही मैं आ गया हूँ इसके वॉशरूम में, 3AC इकोनॉमी के वॉशरूम में। कैसा है वॉशरूम, आइए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये आपको एक मिरर मिलेगा, क्योंकि कोच नया है तो वॉशरूम की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लाइट एकदम चकाचक है, मिरर भी साफ सुथरा है, पानी आ रहा है, सब डिस्पेंसर में सॉफ्ट अवेलेबल है, साफ सफाई अच्छी है, कंडीशन अच्छा है, फर्श वगैरह भी साफ है। और इसमें एक नए तरह का दरवाज़ा लगा हुआ है, जो कि आइए मैं दिखाता हूँ, फोल्डेबल। चलिए अब रात हो गई है ज़्यादा, चल के अपना बेड लगाएं। और बेड रोल मैंने ले लिया है कोच अटेंडेंट से, आपको भी अगर ना मिले, क्योंकि यह रनिंग ट्रेन है, पहले से ही कोई सोया हुआ था उस पर, तो वो सारे बेड वगैरह जो है हमने हटा दिए, बाकी बेड रोल नया मिल गया है हमें। आपको भी ना मिले तो आप कोच अटेंडेंट से ले लीजिए। रात हो गई है ज़्यादा, चलिए अब सोते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 293 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं दिल्ली कैंट, और हम पहुंचे हैं लगभग 1 घंटे की देरी से। दिल्ली कैंट की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है DEC, या पड़ता है दिल्ली डिवीजन में,
और इसका जोन पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे जोन। दिल्ली कैंट से हमारा डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देखते हैं। हम पहुंचे हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। आपको 3 AC इकोनॉमी का कोच का एक छोटा सा लुक आपको दिखा देता हूँ। एक मिरर मिलेगा, साफ सुथरा मिरर है, नया कोच है, क्योंकि दोनों साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा हर बेड के ऊपर आपको एक रीडिंग लाइट मिलेगी जो कि जल रही है। इसके अलावा यहाँ पे USB पॉइंट मिलेगा जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये मोबाइल होल्डर है, अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। ये है वाटर बोतल होल्डर। इस नए कोच में AC की हवा हर पैसेंजर को मिल सके इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह मिडिल बर्थ है और मिडिल बर्थ में भी यह एक AC का पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा आप जब साइड अपर में देखते हैं, साइड अपर में भी यह AC का पॉइंट आप देख सकते हैं। नॉर्मल कोच में आपको 72 सीटें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें आपको 80 सीट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको गेट के ऊपर एक पैनल मिलेगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी, जैसे गाड़ी की स्पीड, टाइम और आने वाला स्टेशन। तीन सौ 7 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं पुरानी दिल्ली, और हम पहुंचे हैं लगभग 45 मिनट की देरी से। बात करें इस ट्रेन की तो साफ सफाई अच्छी है, 3 AC इकोनॉमी कोच का सफर अच्छा रहा। मेरे एक को पैसेंजर हैं। भाई आप कहां से आ रहे हो? बालोतरा से, जोधपुर बालोतरा से। कैसी रही जर्नी आपकी? बढ़िया रही। तो ये 3 AC इकोनॉमी का सफर अच्छा लगा? कोच की साफ सफाई अच्छी थी? कोच नए हैं, हाँ साफ सफाई ठीक थी, वाशरूम भी अच्छा था, क्लीन था। इसके अलावा बस ट्रेन 45 मिनट लगभग लेट पहुंची है, तो इससे आपको इसकी पंक्चुअलिटी का पता चल गया होगा। हालांकि यह ट्रेन पटौदी तक ऑन टाइम आई थी, पटौदी के बाद इसने देरी की। अगर आप जयपुर घूमने जाते हैं और अगर दिन भर घूमने के बाद आप अगर बैक होना चाहते हैं तो यह गाड़ी अच्छी है। रात को 1 बजे मिलती है, आराम से अपना पूरा जयपुर घूमें, रात को 1 बजे पकड़ें और सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाएं। यह हफ्ते में 7 दिन चलती है और यह समय लेती है 5.5 घंटे जयपुर से दिल्ली पहुंचने में। इस सफर को यहीं पे करते हैं एंड। मैं मिलता हूं जल्दी आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.